नाच रही है? हमारा खाना और दीदी को बहुत लगी हुई थी भूख, तो देख सकते हो आप, बेचारे नींबू के चार से गुजारा कर रही है। कुट में फोटो खिंचाएंगे। तो गाइस यार बस एक ही चीज कहूंगा कि अगर ये वीडियो आपको जरा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज यार इस वीडियो को लाइक करना, और जिन लोगों ने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है उनको दिल से सलाम, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मिस लतिका ब्लॉग। तो जैसे मैंने आप सबको बताया, वैसे तो फिलहाल तो अभी चल रही है हमारी चाय। तो मिक्की जो है वो डांसर करना स्टार्ट कर रहा है, मतलब तो अभी वो डांस करेगा, वो डांसर बन जाएगा। तो पढ़ना पुढ़ना उसने है नहीं, की नहीं पढ़ना आहो पढ़ना नहीं करना है ओ अच्छा चल मिक्कू भी। तो दीदी ने की नहीं करना, मुआ दीदी ला तू आ कही मिक्की ना पढ़ना नहीं, मैं की नहीं पढ़ना से अंदर से मिक्कू से कर। तो वो डांस डूंस मतलब डांसर ही बनाना है उसको, तो पढ़ा के क्या करना है। तो अभी देखिए डांस कर रहा था, अभी हमने फोन किया तो ये देख कैसे पड़ा हुआ है कुत्ता, छोटा कुत्ता। तो अभी हम लोग चाय पियेंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे वहाँ पे गाने गाने के लिए। दीदी दीदी मैं हाँ पढ़ने गोड़ा वहाँ मेरी दीदी वाला कि नहीं मत बोलना ओ कमी सारी करानी ते आखे दीदी दीदी जी कुतर गए हो आपने सुनाओ जी क्या हाल है। तो अभी इधर पूजा दीदी की कॉल आ गई, मतलब सुबह सुबह ये सुबह सुबह हमारे कॉलों का होता है थोड़ा, तो मम्मा की बिजी तो मम्मा अति बिजी है हो गई पूरी तरह से रेडी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे गीत गाने के लिए सिस्टर्स के घर, कजन के घर। तो मतलब मैंने मम्मा उनके साथ जाना है, तो अभी भैया मुझे छोड़ने जाएंगे शिपू की शॉप तक, उसके बाद हम लोग उनके साथ जाएंगे, मिलते हैं आगे तक। ये हम लोग पहुंच गए हैं इधर और गाड़ी लगी हुई आप देख सकते हो, बट गाड़ी में स्पेस बिल्कुल नहीं है, आगे भी आंटी और बैठे हुए हैं और मम्मा पापा पापा पीछे, और मेरा पता नहीं कहाँ नंबर आने वाला, हमेशा मेरा नंबर तो डिक्की में ही आता है, और मेरा मुझे लगता है मेरा आज भी डिक्की में ही आएगा। लेंगे दीदी, आप डिक्की में बैठ जाओ, डिक्की में बैठ जाओ, आपके लिए सीट जो है वो डिक्की में है। आप ना डिक्की की सीट मेरी तो फिक्स है ना सीट था डिक्की। हम लोगों का नंबर आया डिक्की में इतने सारे सामान के साथ, आप देख सकते हैं, मतलब हम लोग ना कहीं भी जाएंगे ना तो ये हम लोगों को डिक्की में टूरते हैं, इसलिए हम लोग अपने अपने हस्बैंड के साथ जाते हैं, एटलीस्ट अगली फ्रंट सीट तो मिलती है बैठने के लिए। तो ये देख सकते हो आप, तो ये सरकारी स्कूल वाली वर्दी लगा के आ गई है क्योंकि इसकी छोटी वर्दी की पड़ी थी गाइस, और मैं बहुत अच्छी लगी हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है, मतलब हम लोग उधर बैठे हैं, हम लोग बेशक पीछे हैं, लाता हूँ मारती हुआ है सामान के नीचे आगे, बट मज़ा बड़ा आ रहा है। चलो मिलाते हैं आपको जाके उनके साथ। रवि भी आया था, हमें सब डगा ना आया था लभी होता मेरा बना तू जो कह नहीं उन्होंने पूरी मगर हो जाने मेरे। तो ये तो आप कितना लदा हुआ सब कुछ, नेहा कदे आएगी नहीं है नेहा ना, नहीं कोई सदा नहीं सदा कोई नहीं।
रही है अभी और मैं बिल्कुल बोल रही थी फंस गई हूँ। नहीं तुम तुम भी बोल गया सच्चे का वीर कॉल के थोड़े सच्चे बड़ी मेहनत की थी है दो पैसे कांड दे चिल्ले ती उन्हीं अन्य बात दो हेलो शिवा शिवा ने नहीं बोलना कोई करने भी कटो कटो सारा समान मैं कोई तड़प मेरे यहाँ यहाँ मम्मी ये साड़ी है पाजी दीदी तुम दी शाम में पहन लेनी है समान समान हमारा दिख हम लोग बहुत कुछ खिलाएंगे इनको बहुत कुछ दीदी यहाँ केड़ा आहो दिखो हाँ मैं आपको दिख रहा नहीं मैं पकड़े दे हूँ मीन पता कुड़ी बचा टेंशन है कहना कार्ली बल पर आना बना लग गया आते मीड़ा भी पायो रोग करना दिख रही है मैं बच्चे हैं ले आमे बुपुच को ना बिलानी कुर्ता वाली पे आ रहे हैं गीत गाने वाले और अभी जब गीत हो जाएंगे यहाँ पे स्टार्ट और ऊपर चल रही है डेकोरेशन किसने बताया शादी तेरी शादी हो रही है पता है मुझे क्या हो रहा है क्या हो रहा है शादी है तेरी तेरे को नहीं पता क्या हो रहा है मुंडन गले भी होते हैं मैं तो चले गई ना बर्फ लेने बच्चे अगर इसे देखना ऊपर देखना आओ आओ ना आओ ना चलो गाइस आ जाओ बाहर अभी इधर
तुम्हारी सिंगिंग होगी। चलो Yeah.
हैंडल लेडीज को कंचन आई थी बुलाने के लिए कि खाना खा लो, अभी हम खाना खाने जा रहे हैं मतलब लंच, मतलब खाना नहीं खाना मेरा आज फास्ट है, तो मेरे लिए बने हुए पकोड़े तो वो खाऊंगी, बाकी दीदी के लिए खाना है चावल वगैरह जो भी है, तो चलो खाते हैं फिर। काफ़ी डांस किया हमने, काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी इंजॉय किया। उनने जो सामान लाया वो सारा रखा गया है, और इधर दानो बैठी हुई है दिखाने के लिए। गया हमारा खाना और दीदी को बहुत लगी हुई थी भूख, इधर देख सकते हो आप, बेचारे नींबू के चार से गुजारा कर रही है। तो ये आगे हमारे राइस और ये दाल और ये है चना की सब्जी और वो आगे पूरी और ये आगे सैलड और आगे अचार वाली खाना। जैसे मैंने आप सबको बताया कि मेरा सैटरडे का फास्ट है, जो अनी ने भी रखा हुआ और अनी आज घर आ रहे हैं तो मैं उनके साथ खाऊंगी, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया मैंने उनके साथ डिनर किए हुए, तो आज का डिनर उनके साथ ही होगा। तो ऐसे घर में ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी ठीक है, दीदी ने पूरी उठा ली है, पता नहीं कितनी खाएंगी अभी, उनका कोई पता नहीं ना, कोई भरोसा नहीं है, मतलब इनकी खाने की कैपेसिटी जो बहुत ज़्यादा। और इधर ले ये नेहा, इतने पकौड़े कौन खाएगा भाई, और इधर लेके आई नेहा मेरे लिए पकौड़े साथ में चाय, तो मैं यही खाऊंगी। नहीं जाना है, थे रोना है, हम मतलब लंच गया अभी, 4 बज गए ना, तो इतना टाइम हो गया अभी, हम लोगों ने खाना वगैरह खा लिया, मतलब मैंने पकोड़े खाए थोड़े से और इन्होंने इतना भरपेट खाना, देखो सीधे खड़े भी नहीं हो सकते हैं ये, बहुत भरपेट खाना खाया और अभी इन्होंने लिफाफे भी मतलब भर ली हैं। मेरा नहीं, ये काम तेरा, मेरा नहीं। तो मैंने, क्योंकि इसने खाया नहीं ना इसलिए, तो मतलब अगर कोई खाना डाल के नहीं दे रहा हो तो बोल देना भाई हमने खाया नहीं, तो फिर वो डाल के देते क्योंकि उनको पता होता है कि जो इन्होंने खाना था तो वो इनको डाल के देते हैं, तो ऐसा कुछ है। अभी हमने खाना वगैरह खा लिया सब, तो अभी हम जा रहे हैं घर की तरफ, करते हैं अभी वो डेकोरेशन। अभी 22 को है इनके घर में मुंडन, तो ये है राधा कृष्ण जी का मंदिर इनके घर में, चलो
अभी हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हो गए हैं, सभी जाने की तैयारी कर रहे हैं। फोटो खिंचाएंगे सभी। डिस्कशन चल रही है क्योंकि इनको अभी विदाई दे रहे हैं ये लोग, मतलब कंचन के घर वाले सारे। बैठी हो बेचे गाड़ी में और हम लोगों को फिर से पीछे जगह। और ये बोरी भी मेरे पीछे बैठी है। आ गया इधर गरीब ऑटो में बैठ के जाएगी। देखो इस गरीब ने कितने बोले, चल गरीब जा गरीब। गरीब सला बल्ले उतरे दीदी चल तू उस डर कि ना मेरी कचोरी कट लें चल मई करना। हेलो समान ठीक है फिर बाय। घर और वो दिन के बाद घर पे आए मुझे मैंने को इतना मिस किया नहीं इतना कर दिया। गाइस वेलकम बैक इन इवनिंग टाइम। तो जैसे आप सबको पता है टाइम काफी हो गया और हम लोग पहुंच गए घर। और हमारे इधर मतलब एक ताम भी है जिनके घर में हम लोग सिंगिंग के लिए जाते थे ना, हमारे पड़ोस में है भैया जी, उनकी शादी है और वहाँ पे हम लोग आज मैं सुबह से नहीं गई हूँ। तो अभी हम लोग ताम खाने जाएंगे उनके घर में क्योंकि आज वो साथ का। और यहाँ पे यानी कुछ गिफ्ट लेके हैं, मतलब ये मेरे को गिफ्ट ही देते रहते सरप्राइज है ना, ये मेरे को दिखाएंगे नहीं तो वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, वो हम लोग बाद में करेंगे अनबॉक्सिंग उसकी। तो ये आजकल मेरे को बड़े गिफ्ट दे रहे हैं और मुझे इम्प्रेस कर रहे हैं। तो यानी बहुत दिन के बाद आए हैं और आपको पता नहीं है मैं कितना मिस कर रही थी। और इनकी मुँह देखो कितना लटका हुआ है। तो लेके क्या आए हैं ये मैं आपको नहीं बताऊंगी, ठीक है। अभी ये बोल रहे अभी नहीं दिखाना। देखते हैं हम लोग जाएंगे। तो गाइज आज सुबह का मैंने बहुत ब्लॉग बनाया हुआ है, आपको ये ब्लॉग पे अच्छे अच्छे कमेंट्स करने हैं। और यो वहाँ पे मुझे न्यू सब्सक्राइबर मुझे मिले थे, वो लोग भी मुझे कॉमेंट्स वगैरह करें। और मेरे बेड पे यहाँ पे बिखरे होंगे बहुत सारे कपड़े क्योंकि हुआ ऐसा, तो मैं चली गई थी ना वहाँ पे। और जब मैं वहाँ से वापस आई तो यहाँ पे मम्मा ने रखे हुए थे ये अच्छे तरह से, इनको समेट के रखा हुआ था। और मैंने ऐसे सो के ना सारे बिखेर दिए, मैं सुबह की बड़ी थक गई हूँ। साथ में मेरा था फास्ट और वहाँ पे कंचन ने मेरे लिए बनाए हुए थे पकोड़े, ठीक है। तो आपको पता है और सुबह से मैंने कुछ खाया भी था, वैसे मैंने आलू मम्मा ने बनाए हुए थे घर में, मैं वो भी खा के गई थी। बट मुझे ना ऑयली फूड खाने से ना एसिडिटी हो जाती है जब से मैंने डाइटिंग स्टार्ट करी हुई है। तो ठीक है गाइस ख्याल रखिए आप ना। तो अभी हम लोग करेंगे थोड़ा देखेंगे ब्लॉग्स का, मैं सोचूंगी अगर मैं वहाँ पे जाके बना, मतलब शायद ना भी क्योंकि वहाँ पे बड़ा इशू हो जाता है। लेडीज़ बोलती नहीं नहीं हमारी शक्ल नहीं आनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, तो वैसा कुछ है। बट वहाँ पे ब्लॉग बनाने का बड़ा मज़ा आया क्योंकि वहाँ पे ऐसा कोई नहीं है, मतलब ऐसा कोई इशू नहीं है, मतलब नहीं मेरा मुँह नहीं आना चाहिए था, मेरा मुँह नहीं आन दिया, मिगी फलाने बंदे ने दिखाया ही है, तो उन्हें मैं आख्या ही कि मैं तुगी ब्लॉग बच्चे दिखाया कुछ ऐसा, ठीक है। तो वैसा होता है तो इसलिए इशू बन जाता है। तो यहाँ पे हम लोग नहीं शूट करेंगे ब्लॉग। तो ठीक है टेक केयर गाइस, अपना ख्याल रखिए। और जो लोग मुझे मोटिवेट करते हैं कि आप लोग ब्लॉग बनाओ तो वो कमेंट करें, तो फिर मैं ये जो व्लॉग है शादी का मैं पक्का बनाऊंगी, ठीक है। अदरवाइज नहीं, क्योंकि मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता, ये जो लेडीज ड्रामा करती है नहीं नहीं मेरा मुंह नहीं आन दिया, तो ऐसा कुछ है। तो ठीक है गाइस टेक केयर। जो लोग चाहते हैं कि मैं ब्लॉग बनाऊं उनकी शादी मतलब भैया जी की शादी का, तो प्लीज़ वो छोटा सा कॉमेंट्स मेरे लिए छोड़ दे तो मैं पक्का बनाऊंगी, ठीक है। टेक केयर, ख्याल रखिए अपना। मौसम चेंज हो रहा है क्योंकि मेरा गला तो खराब हो रहा है, आप लोगों का नहीं होना चाहिए। अगर आप लोगों का गला खराब हो गया तो आप लोगों को कमेंट करने का मजा नहीं आएगा, ठीक है गाइस।
टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।